हरदोई पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए खतरा बन सकती हैं। मेरी पार्टी का उनके सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को एंट्री देकर सोनिया गांधी ने प्रियंका के साथ अन्याय किया है। ये बात सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। सहकारिता सम्मेलन में हरदोई आए कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रियंका गांधी के साथ घोर अन्याय सोनिया जी ने किया है। उन्हें राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए उनको देर से एंट्री दी गई है। प्रियंका हमारे लिए खतरा नहीं बन सकती, लेकिन यदि उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो वो राहुल गांधी के लिए खतरा जरूर साबित होंगी। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बेमेल गठबंधन है जो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि जो दल कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेते वो आज एक साथ हैं, ये गठबंधन नहीं नाटक है। भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री ने अधजल गगरी बताते हुए कहा कि कम विधायकों की संख्या वाले दल ऐसे बयान देकर जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि भाजपा के साथ जनता है और आने वाले समय में जनता ये दिखा भी देगी। आपकी सरकार ने अगर सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ किया है तो ऐसे क्या कमी है कि आपको बहुमत आता नहीं दिख रहा है? अभी हमारी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। अभी कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, इसलिए अभी किसी प्रकार का जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुआ तो काहे का एग्जिट पोल और किस बात का एग्जिट पोल का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। अब मैं काम में विश्वास करता हूं, विकास में विश्वास करता हूं। हमारी सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में विकास की झड़ी लगा दी है, चर्चा में रहे हैं इस बार फिर से उन्होंने अपनी कुछ मांगे सामने रखी हैं, पूरी ना होने की दशा में गठबंधन तोड़ने की बात कही, क्या रिएक्शन है? देखिए, वो हमारे गठबंधन के सहयोगी पार्टी के नेता हैं, सरकार में मंत्री। स्वाभाविक रूप से अधजल गगरी छलकत जाए, कम विधायकों की संख्या वाली पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में ऊट पटांग बयानबाजी करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करती। प्रियंका गांधी क्या? प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस ने बहुत देर से एंट्री दी है, उनके साथ घोर अन्याय हुआ। कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जानबूझ करके राहुल जी को स्थापित करने के लिए उनको लंबे इंतजार के बाद अब राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी दी है। राजनीति में आ रही है, मेरी ओर से उनको बधाई है, लेकिन उनके इस एंट्री से किसी अन्य पार्टी को खतरा नहीं है, राहुल गांधी जी को खतरा हो सकता है। अगर कहीं उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ गया तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालिया निशान उठेगा, इसलिए चिंता ये कांग्रेस की है, राहुल जी की है, हमारी नहीं है, क्योंकि हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है, देश की जनता विकास को पसंद करती है, मोदी जी को पसंद करती है। इसीलिए जब भी केंद्र का 2019 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। विरोधियों के घोष फाकता है, आपका क्या कहना है? घोष तो उनके फाकता है जिन्होंने गठबंधन किया, क्योंकि जो एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, जो मायावती मुलायम सिंह पर आरोप लगाती थी कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों बार उसका बयान भी दिया, आज भी न्यायालय में केस चल रहा है, आज कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने वाले पार्टी से जाकर के उन्होंने तालमेल किया? यह तालमेल मजबूरी का तालमेल है, स्वार्थों का तालमेल है। दोनों पार्टियों में बड़े पैमाने पर भगदड़ मची थी, उस भगदड़ को रोकने के लिए जल्दी जल्दी में इन्होंने गठबंधन का नाटक किया। आज भी अगर यह नाटक नहीं होता, यह गठबंधन व्यवहारिक होता
तो मुद्दों पर आधारित होता, न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित होता। इस गठबंधन का न कोई न्यूनतम कार्यक्रम है, न ही जनता से जुड़ा कोई मुद्दा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।